हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज इस क्लास में हम हिंदू मैरिज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हिंदू मैरिज का जो फॉर्म जिस बारे में आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो ओल्ड हिंदू मैरिज के हिसाब से चलता है, यानी आज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग सब चलता है। और जो भी आज की कंडीशंस हैं उनसे पहले की कंडीशन बहुत डिफरेंट हुआ करती थी, और विवाह का जो स्वरूप था वो भी आज की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा चेंज था। तो अभी आज की क्लास में हम ओल्ड हिंदू लॉ से पढ़ेंगे, ओल्ड हिंदू मैरिज की कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम ओल्ड हिंदू मैरिज की कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो आप सोचेंगे कि हमें हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, इस ओल्ड हिंदू मैरिज की कंसेप्ट को क्लियर करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये कंसेप्ट करना जरूरी हमें इसीलिए है, दो इसके रीजन है। पहला रीजन तो एग्जाम में आ सकता है कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हिंदू मैरिज का स्वरूप किस तरह से चेंज हुआ, फॉर्म किस तरीके से चेंज हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये आता है कि हमें पता होना चाहिए कि जो विवाह, जो मैरिज जो बात कर रहे हैं हम, हिंदू मैरिज की जो बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से किन स्वरूप में थी, हमें पता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम के लिए, बल्कि हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हुआ करती थी और कैसे उसका स्वरूप कालांतर में और द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो गया। तो अभी शुरू करो, उससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि देखिए, जो बातें आज मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी वो सभी लिखी हुई हैं, यानी कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनसे आप पर्सनली जो है नहीं उस चीज को एक्सेप्ट करें, मैं भी नहीं करती हूँ। कई चीजें हम एज ए लाइक पर्सन, हमारा जो डोमेन है, जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव है, वो चेंज हो चुका है। तो लेकिन जो पहले हुआ करता था वो जो कंडीशंस थी वो अलग थी, और उस वक्त जो लॉ फॉलो होता था, उस वक्त जिस हिसाब से मैरिजेस हुआ करती थी वो अलग तरीका था। तो अभी के उसको कंटेक्स्ट में ना आप तोले, ना नापे, और ना सोचे कि कुछ मैं गलत बता रही हूँ, क्योंकि ये वही बता रही हूँ जो कि हिंदू टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो कि एक्चुअल होता था। अब हम बात करते हैं हिंदू मैरिज की। तो हिंदू मैरिज की जब बात करें, हिंदू विवाह की जब बात करें, तो देखिए, विवाह में दो वर्ड आते हैं, वी और वह, यानी वहन करना। वहन करना क्या, भार जो आपको दिया जा रहा है एक संस्कार के द्वारा, उसको सारी जिंदगी आपको उठाना है, उसको आपको वहन करना है। जो भी आपको दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, जो कर्तव्य दिया जा रहा है, उसको आपको सारी जीवन, संपूर्ण जीवन उसको जो है आपको करना है, वहन करना है, उसको विवाह का नाम दिया गया। अब जब विवाह की बात करें तो हिंदू में धर्म में जब एक बालक जन्म लेता है तो उस वक्त उसको पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन काल में, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक 10 संस्कार उसके होते हैं। 10 संस्कारों में से एक संस्कार शादी का भी है, जिसको बोले विवाह का संस्कार भी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमारे हिंदू रिलीजन में चार तरह के आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में तो हमको पता है, ब्रह्मचर्य हुआ करता था वो आश्रम जबकि बच्चे को भेजा जाता था स्कूल पढ़ने के लिए, गुरुकुल में भेजा जाता था। उसके बाद जब वो पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपनी दीक्षा लेके वापस आता था तो उसका गृहस्थाश्रम शुरू होता था। गृहस्थाश्रम मीन्स उसको एंट्री करते थे कि अब वो विवाह करे, और उसके बाद उसका वो टाइम पीरियड चलना था। गृहस्थाश्रम के बाद जो चलता था वो चलता था वानप्रस्थ आश्रम, यानी वो जंगल में जाएगा, और जंगल में जाने के बाद में वहां पर जो भी सूखा होगा खाना, बस वही उसको खाना है और तपस्या बेसिकली करनी है। और संन्यास आश्रम में उसका हायर लेवल था, उसकी जो परीक्षा थी, जो उसकी जो तपस्या थी, उसका लेवल बढ़ जाता था, और उसके एंड में उसको जो था उसके प्राण त्याग होते थे। तो इस तरह से चार आश्रम 10 संस्कार हुआ करते थे। इसके अलावा एक और मान्यता मानी जाती थी कि जो एक व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसके ऊपर 3 ऋण आ जाते हैं। ऋण का मतलब कर्ज आ जाते हैं। क्या कर्ज आ जाते हैं? पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो पितृ ऋण कैसे उतरता है? पितृ ऋण ऐसे उतारा जाता है, ऐसा माना जाता था कि जब एक व्यक्ति का विवाह हो जाता है, उसके विवाह के बाद जब उसकी संतान होती है, संतान में भी स्पेसिफिकली उन्होंने बोला पुत्र की जब उत्पन्न होता है, तो पुत्र जो होता है, एक पुत्र जो है अपने पिता, उनके पिता, अपने पूर्वज के लिए क्या करता है, उनको नरक से निकालने का काम करता है। मतलब जिनके पुत्र हो जाते थे, माना जाता था कि उनके पूर्वजों को नरक में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मुखाग्नि देने के लिए और बाद में जिसको हम बोलते हैं कि पिंडदान करने के लिए पुत्र की उत्पत्ति होनी जरूरी है, ऐसा माना जाता था। तो इसलिए पितृ ऋण तो तब पूरा हो जाता था जब संतान उत्पत्ति होती थी। फिर ऋषि ऋण, हमने अभी बात की, जब व्यक्ति जाता था गुरुकुल में तो वहां पे उसको दीक्षा देनी, अपने गुरु को जो उसने एजुकेशन उससे ली, तो वो
होता था ऋषिगण या सेजेस, जो महात्माओं जब स्पिरिचुअली किसी से नामदान दीक्षा लेते हैं, मतलब मंत्र की दीक्षा लेते हैं, तो उनको जो उनके ऊपर जो फिर उनके उनका जो हमारे पर ऋण चढ़ता है तो कैसे उतरेगा, उसके जो वो कह रहे हैं उनका काम करके। लास्ट होता था देवऋण। तो देवऋण क्या होता था, देवऋण मतलब हमको लास्ट जो वानप्रस्थ संन्यास धर्म की बात की कि हमको अपनी जिंदगी का जो उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति वो हमें करनी है। तो ये मैं आपको वही बता जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अब रघुनंदन ने बोला कि विवाह की जब हम बात करें, बेसिकली हम 10 संस्कारों में से विवाह की बात कर रहे हैं, सैक्रामेंट कौन से, मैरिज की बात कर रहे हैं। तो रघुनंदन ने बोला कि मैरिज का क्या मतलब है, हिंदू में मैरिज का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति अपनी जो पुत्री है उसको एक जो दूसरे की पुत्र के साथ ब्याह देता है उसको बोलते हैं क्या, मैरिज। और उसमें भी बोल रहे हैं कि जब ब्याह देता है तो उसमें जो है जो लड़की है जो कन्या है उसकी इच्छा जो है वो मायने नहीं रखती है, ऐसा माना गया। और ऐसे इस केस में भी हेल्ड हुआ था पुरुषोत्तम दास वर्सेस पुरुषोत्तम दास, जिसमें यह भी माना गया था कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कन्या की सहमति का कोई मायने नहीं रखता है। अब देखो आप यही चीज से ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ करता था। ऐसा देखिए जब एक विवाह होता था तो उस वक्त ये कर्तव्य माना जाता था पिता का, कि पिता का कर्तव्य होता था कि वो अपनी जो मेरी जो पुत्री है जो कि विवाह योग्य है उसके लिए एक सुयोग्य वर चुन के लेके आए। सुयोग्य, जब मैं सुयोग्य वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसका मतलब क्वालिटी वाइज वर्चुअस होना चाहिए पर्सन। वर्चुअस का मतलब लाइक डॉटर लाइक ब्राइड ग्रूम, ऐसा ही दूल्हा है जो कि लड़की के समान हो, यानी कि किसी भी तरीके से वो लड़की से कम नहीं होना चाहिए। कम का मतलब क्वालिटीज में कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी जैसे नकारा कामना करता हुआ व्यक्ति आ जाए और उसके साथ अपनी अच्छी क्वालिटीज क्वालिफाइड लड़की की शादी करे पिता, तो वो गलत है, ऐसा वहां पर भी अलाउड नहीं किया गया था। तो पिता का कर्तव्य माना गया था कि ऐसा वर ढूंढ के लेके आए जो कि सुयोग्य हो, जो लड़की की क्वालिटीज के अकॉर्डिंग हो, मतलब बिलो द क्वालिटीज ऑफ गर्ल नहीं उसको योग्य माना जाएगा। और वो अगर लेके आता है पिता तो उसके साथ विवाह नहीं करे कन्या तो चल जाएगा। क्योंकि मनु ने स्मृति करते लिखते हुए ये तक भी बोला, मनुस्मृति में ये भी लिखा गया है कि अगर एक जो लड़की है वो विवाह योग्य है और वो जो है अगर उसका जो फादर है वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ के लाते हैं जो कि उसके योग्य है, तो अगर कन्या विवाह करने से इनकार करती है और अपने घर में ही रहती है, अपने पिता के पास रहती है, तो वो गलत नहीं माना गया, ये बात वहां पे परमिट की गई है। तो यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं कि कन्या का उनको वर कौन ढूंढ के आएगा, पिता ढूंढ के लाएंगे, तो मान लिया गया कि जो कैसा वर ढूंढ के लाएंगे, सुयोग्य अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ऑफ द गर्ल, गर्ल्स क्वालिटी शुड बी मैच्ड विद द बॉयज क्वालिटीज, ये बात मानी गई। अब इसी तरीके से जब मनुस्मृति ने 8 तरीके के विवाह बताए, 8 तरीके में से 4 विवाह तो अप्रूव्ड माने गए और 4 को अनअप्रूव्ड माना गया। अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस कौन कौन से हैं, ब्रह्म है, देव है, अर्श है और प्रजापत्य है। मैंने जिन आपको सीक्वेंस में बताया उन्हीं सीक्वेंस में इनकी जो मान्यता है वो रखती है। सबसे ऊपर माना गया ब्रह्म विवाह को, फिर माना गया दूसरे नंबर पे आता है देव विवाह, फिर अर्श विवाह और फिर प्रजापत्य विवाह। तो ब्रह्म विवाह कैसे होता था, ब्रह्म विवाह ऐसा होता था कि सुयोग्य वर ढूंढ के लाते थे अपनी पुत्री के लिए पिता और उनकी जो शादी हो जाती थी। अभी देखो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वो ये है कि इनमें टेक्स्ट में कहीं पर भी दहेज जैसी बात नहीं लिखी गई। ये लिखा गया कि पिता जो है अपनी पुत्री का विवाह अच्छे अच्छे वस्त्रों के साथ, उन्हें ऐसे अच्छे वस्त्र देके और गहने देके करेंगे, यानी कि बेसिकली उनको सजा सवार के अपनी बेटी को विदा करना है। यहाँ कहीं भी दहेज जैसी बात कहीं जिक्र ही नहीं की गई। ये तो कालांतर में ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जो सोसाइटी है वहां पर कुछ बुराइयां आती चली गई और हम कई चीजों को अपने आप ही जन्म दे करके और उनको जो है फिर बाद में उन्हीं को उन्मूलन करने के लिए काम करने लगे। तो ये कहा गया कि जब विवाह हो रहा है तो अच्छे कपड़ों के साथ और अच्छे गहनों के साथ, बेसिकली उन्हें सजा सवर के खुशी रहने के लिए आशीर्वाद देते थे पिता और सप्तपदी के थ्रू उनके जो है विवाह होता था। इस तरह से ब्रह्म विवाह होता था। देव विवाह में भी इसी तरीके से होता था, बस सिर्फ इतना सा यहाँ पे चेंज हो जाता था कि देव विवाह में जो जो फादर होते थे वो दक्षिणा के स्वरूप में क्या करते थे, जो फेरे होते थे उस वक्त दक्षिणा के स्वरूप में कुछ पैसा लेते थे, दक्षिणा दी जाती थी, ठीक है,
यहाँ पर दक्षिणा वर्ड यूज हुआ था जब विवाह होता था उसमें, इसीलिए इसको थोड़ा सा ब्रह्म विवाह से थोड़ा सा इसको इंपीरियर माना गया। फिर जब अर्ष विवाह की बात की तो अर्ष विवाह में यहाँ पर जब विवाह होता था तो जो जो वर था, वर जो थे वो एक बैल और एक गाय, वन काउ एंड वन बुल, इनका पेयर जो था जोड़ा वो वधू के पिता को देते थे, लेकिन किसी ताकि उन्हें वो उससे रिलीजियस काम करें, रिचुअल्स करें, ऐसे नहीं कि उसको अपने वर्ल्डली काम के लिए लेके यूज करें, वो चीज यहाँ पे नहीं थी, कैसे रिलीजियस काम के लिए उनको यूज करना है। फिर प्रजापति विवाह था उसमें भी इतना हो गया कि थोड़ा सा जो डोनेशन की बात करूं मैं या जो बात करूं दक्षिणा की, तो वो दक्षिणा बढ़ जाती थी, यानी कि अब ब्राइडग्रूम जो था वो ब्राइड के फादर को दक्षिणा दे रहे थे। और प्रजापति विवाह में ये भी हुआ कि जो था ब्रह्म विवाह में तो मैरिज तो थी दोनों के बीच में, अनमैरिड है और उनकी शादी हो रही है, लेकिन प्रजापति में जो ब्राइडग्रूम है, जो वर है, उसका अनमैरिड होना जरूरी नहीं माना गया था, प्रजापति में ये था। फिर जो चार अनअप्रूव्ड हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए चार अनअप्रूव्ड में से असुर विवाह, फिर गंधर्व विवाह, फिर उसके बाद में राक्षस विवाह और फिर पिशाच विवाह। अब जो गंधर्व विवाह है उसको आजकल की फॉर्म में लव मैरिजेस भी बोलते हैं। लव मैरिजेस जैसे उस वक्त का जो गंधर्व विवाह का सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो शकुंतला, जो आपने सबने सुना होगा शकुंतलम, वो जो स्टोरी है वो शकुंतलम की स्टोरी गंधर्व विवाह के ऊपर बेस्ड थी। तो इस तरह से चार अप्रूव विवाह हुए और चार अनअप्रूव विवाह हुए। अब इनके बाद हमने बात करी एक सैक्रामेंट होता है, एक संस्कार होता है, और वो क्यों होता है, वो इसलिए जरूरी है क्या, ताकि जो है पुत्र की उत्पत्ति के लिए बेसिकली माना गया। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे एपिक जो है रामायण महाभारत वहां पे इनकी इम्पोर्टेंस बहुत बताई गई है। कैसी इम्पोर्टेंस बताई गई, रामायण में माना गया जो लड़की होती मतलब जब शादी हो जाती है तो वो धर्म पत्नी बन जाती है, धर्म के अकॉर्डिंग विवाह हो रहा है मतलब रिलीजन के अकॉर्डिंग विवाह हो रहा है तो पत्नी जो है धर्म पत्नी बन जाएगी और उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगा, धर्मपुत्र धर्मपुत्री बन जाएंगे। तो जो धर्मपुत्र होंगे पुत्र होंगे वो सेल्वेशन किसी क्या काम करेगा, जो नरक से आजादी दिलाने का काम करता है पुत्र, धर्मपुत्र ऐसा माना गया। तो आई वॉज ऑन रामायण, तो रामायण में माना गया कि सोल होती है, आत्मा होती है पत्नी पति की, धर्म जो पति है उनकी जो धर्म पत्नी है वो उनकी आत्मा होती है। महाभारत में धर्म पत्नी को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक गाइड की तरह माना गया, ठीक है, जो सिर्फ एक उसका काम एक धर्म पत्नी नहीं बल्कि एम्बिशंस के लिए, महत्वाकांक्षाओं के पूरे करने के लिए, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया धर्म ग्रंथों में धर्म पत्नी को। अब जब धर्मपत्नी और धर्म पति जब हमने बात की तो उनके बीच में जो टाई है वो बहुत पवित्र माना गया, क्योंकि आने वाले जो भी जनरेशन होती है वो उनके आपस के संबंध कैसे संबंध पे डिपेंड करती है कि वो कैसे संस्कार आपस में रखते हैं और कैसे वो आगे देंगे, और ऐसे ही जो है क्या बनेगी, जनरेशन बनेगी और ऐसे इन संस्कारों से ही जो है देश और समाज उन्नति करेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस दी गई विवाह संस्कार को। विवाह संस्कार में जब हमने हिंदू लोग की बात करी तो कुछ कंडीशन मानी गई पुराने हिंदू लोग में। पहली कंडीशन ये मानी गई कि जो दो मतलब दो लोग हैं जिनके बीच में विवाह संपन्न होगा वो सेम कास्ट के होने चाहिए, प्रतिलोम और दूसरी है अनुलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, प्रतिलोम ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मेल जो है वो लोअर कास्ट का है और फीमेल जो है वो अपर कास्ट के हैं, तो बोला गया ऐसा विवाह तो परमिट बिल्कुल नहीं करेंगे। अनुलोम को उन्होंने फिर भी परमिट कर दिया, क्या मेल हायर कास्ट की है और फीमेल अगर लोअर कास्ट की है, तो उसमें भी उन्होंने जैसे कि हमें पता है पहले हमारे चार वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जैसे हमने अभी गंधर्व विवाह की बात करी तो उनका प्रचलन क्षत्रिय में ज्यादा हुआ करता था, और अब हम नीचे में बोल रहे हैं कि नेक्स्ट उसी से निकल के आता है कि सपिंड नहीं होने चाहिए। सपिंड का मतलब सेम गोत्र के नहीं होने चाहिए, गोत्र भी आपको पता है ऋषियों के नाम पे गोत्र रखे गए हैं, तो उसमें बोला कि अगर कस्टम इस तरीके से है कि गोत्र में होता है विवाह तो चल जाएगा। जैसे कि कई कस्टम्स ऐसे होते हैं जहां पर सेम गोत्र में विवाह हो जाता है, गोत्र नहीं देखे जाते। और ये भी बोला गया कि शूद्र के केस में जैसे कि हमें पता है पहले वर्ण जो थे चार तरीके के होते थे, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र, तो क्षत्रिय के केस में गंधर्व विवाह से रिलेट कर लेना, वहां पर क्षत्रिय में ज्यादा गंधर्व विवाह हुआ करते थे। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि जो शूद्र है उनके लिए ये गोत्र वाली सपिंड वाली बात लागू नहीं होती,
क्योंकि उनमें ऐसी कास्ट ऐसे जज कुछ गोत्र नहीं होते हैं। तो फिर तीसरी कंडीशन उन्होंने ये बोली कि जितने भी रिचुअल्स हैं वो पूरे होने चाहिए, सेरेमनीज जो है विवाह के लिए वो पूरी होनी चाहिए। तो तीन कंडीशंस हिंदू विवाह में कंपलसरी मानी गई। अभी आप मेरी बात को सुनिएगा सिर्फ कि ये जो मैंने आपको बताया ये वो है जो हिंदू टेक्स्ट में लिखा गया। इतना ही नहीं, आप देखिए इस केस में तिकायत मुनुमोहिंती वर्सेस बसंत कुमार के केस में कहा गया कि जो हिंदू मैरिज है वो फ्लैश टू फ्लैश बोन टू बोन जो रिलेशन है और वो आगे तक का, इस दुनिया का नहीं बल्कि आगे तक का संस्कार है। और इस क्वेश्चन वर्सेस मिथिलेश कुमारी 1979 में जिसमें कहा गया कि मैरिज जो है सोशल या लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि एक रिलीजियस है, रिलीजियस टर्म में इसको देखा गया और ये बोला गया कि जो मैरिज है हिंदू मैरिज की उन्होंने बात की कि हिंदू मैरिज इमोशनल ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है बल्कि रिलीजियस ड्यूटीज के लिए है। फिर शिवानंदी वर्सेस भगवंती अम्मा 1962 के केस में, भगवंती अम्मा के केस में ये कहा गया कि जो मैरिज है वो अनटाइड है, मतलब उसको जो है अलग नहीं किया जा सकता, वो बहुत सैक्रमेंट है, बहुत पवित्र है और वो दो योगों को अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोला गया। भगवती सरन सिंह वर्सेस परमेश्वरी मनोहर सिंह 1942 के केस में कहा गया कि हिंदू मैरिज कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ही है और पुरुषोत्तम दास वर्सेस पुरुषोत्तम दास में यही मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना, जिसमें कि इसमें बताया गया कि रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए है और दूसरा बेसिकली उन्होंने कहा था कि एक धर्म पुत्र उत्पन्न करने के लिए है। तो बोलेंगे चाहे आप उसको सोशल मान लो चाहे रिलीजियस मान लो बट ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, इस केस में कहा गया मुथुस्वामी वर्सेस मसिलामणि के केस में। तो हिंदू मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं इस पे बहुत सारे जो है कि बोलेंगे कॉन्ट्रावर्सी रही है कि नहीं है, कहीं माना गया कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि बेसिकली उनका जो है एक तरीके से धर्म पुत्र की उत्पत्ति उनका जो कर्तव्य होता है, लेकिन कई बार ये भी माना गया कि ऐसा नहीं है, ये तो फ्लैश टू फ्लैश बोन टू बोन जो है इस संसार से उस संसार तक का रिलेशन है। और एक बात और है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि इसमें एक चीज मानी गई कि दोबारा जो विवाह है ऐसी जो बात है वो कई बार मान के कहा जाता है कि पहले नहीं हुआ करती थी, बट नारद स्मृति में इस चीज को माना गया कि हो सकती है एक लेडी 6 या 5 कंडीशन में दूसरा विवाह कर सकते हैं, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, लॉस्ट हो गए हो, उन्हें कास्ट से निकाल दिया गया हो, उनका पता नहीं चल रहा हो या फिर वो जो है इम्पोर्टेंट हो गए हो, तो 5 कंडीशंस में जो है, या फिर हाँ एक और कंडीशन भी है कि जब उन्होंने वर्ल्डली अफेयर्स को छोड़ दिया मतलब संन्यास ले लिया हो, तो 5 कंडीशन में एक लेडी दूसरा विवाह कर सकती है। अब जब बाकी सब ने बोला, कई बार स्मृतिकार ऐसे भी बोलते कि नहीं हट सकते, ऐसा नहीं था हिंदू टेक्स्ट में, तो ये भी इस पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी आल्सो। तो लेकिन नारद स्मृति में ऐसा बोला गया कि इस तरह से 5 तरीके से कंडीशन में एक लेडी दूसरा विवाह कर सकती है। तो अभी जो हमने अभी तक आज आपको पढ़ाया वो सिर्फ बेसिक था, ये पुराना हिंदू लॉ था, ये ऐसे चलता था पहले। अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद कंडीशंस एकदम चेंज हो गई है और जो शादी की कंडीशंस है वो भी चेंज हो गई है, तो हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।